मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली आशालता देवी स्कूल में थी जब उसने कुछ लड़कों को फुटबॉल खेलते देखा। टीचर को कहा कि मुझे भी फुटबॉल खेलना है। टीचर ने कहा, फुटबॉल अकेले खेलने का गेम नहीं है, अगर फुटबॉल खेलना है तो पूरी टीम बनाओ। आशालता डिटरमाइंड थी, उसने दो टीम्स तैयार की और फुटबॉल खेलना शुरू किया। उस दिन ये पता चल गया कि यही उसका जीवन है। उनकी माँ को उनका फुटबॉल खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। फुटबॉल पे समय व्यर्थ करने के लिए उन्हें मार भी पड़ती थी। पैसे की कमी थी और अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। पिता की मौत के बाद नौकरी करना मजबूरी बन गया तो अलग अलग स्कूल्स में फुटबॉल कोच बनकर काम किया। दिन में फुटबॉल सिखाना और शाम को खुद खेलना। सारी मेहनत रंग लाई जब स्पोर्ट्स कोटा में इंडियन रेलवे में नौकरी लगी, जहां सैलरी भी मिली और फुटबॉल खेलने को भी। और आज आशालता देवी इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम की कैप्टन है और पूरी शिद्दत से टीम को पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी।